Hi guys, welcome to Cashify Presents Techno Chat. इस प्रोग्राम में हम आपको नए नए फोन्स की जानकारी देते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, मैं हूं भृगु वधावन और आपका स्वागत है कैशिफाई प्रेजेंट्स टेक्नो चैट में। अभी हाल ही में हमने बहुत बड़ा लॉन्च देखा जो कि था वन प्लस का लॉन्च, जिसमें उन्होंने अपने दो नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च किए। और उस लॉन्च को हुए कुछ ही टाइम हुआ था कि एप्पल ने एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिया है अपने फैंस को। एप्पल ने नया आईफोन SE लॉन्च कर दिया है, जो कि वो काफ़ी टाइम से लॉन्च करने का सोच रहे थे, बट कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से वो कर नहीं पा रहे थे। बट फाइनली द वेट इज़ ओवर, क्योंकि ये फ़ोन लॉन्च हो गया है। पुराना आईफोन SE जो था वो मार्केट में अपने कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से और अफोर्डेबल प्राइस की वजह से बहुत अच्छा सेल हुआ था। तो ये जो नया फ़ोन है आईफोन SE, हमें लग रहा था रूमर्स के अनुसार कि इसका नाम आईफोन SE 2 होने वाला है, बट एप्पल इसे आईफोन SE ही बुला रहा है। तो ये जो सेकेंड जनरेशन आईफोन SE है, इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक आईफोन 8 जैसा है, बट इसमें जो स्पेक्स हैं वो नए आईफोन 11 वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपको इस फोन के सारे स्पेक्स बताने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं। तो जो यहाँ इस फोन का डिज़ाइन है वो आईफोन 8 के डिज़ाइन से काफ़ी मैच करता है। आप देख सकते हैं कि सामने और पीछे की ओर ग्लास डिज़ाइन है इस फोन में, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। बट इस फोन में वापस से काफ़ी थिक बेजल्स रखे गए हैं और टच ID भी वापस लेकर आए हैं एप्पल अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर इनकॉर्पोरेट करने के लिए। बट इस फोन के जो स्पेक्स हैं वो आईफोन 11 वाले होने वाले हैं। साथ ही साथ इस फोन में आपको मिलती है IPS67 रेटिंग, वाटर स्प्लैश प्रूफ बनाने के लिए इस फोन को। साथ ही साथ इस फोन में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, बट आपको मिलता है एक डुअल स्टीरियो स्पीकर, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इस फोन का जो डिस्प्ले साइज है वो है 4.7 इंचेस का IPS LCD रेटिना HD डिस्प्ले। इस फोन के डिस्प्ले की हमें जो नेगेटिव पॉइंट ये लगी वो ये था कि इसके जो थिक बेजल्स हैं वही पुराने आईफोन 8 जैसे हैं। हमें आजकल काफ़ी सारे फोन्स मिल रहे हैं जिसमें थिन बेजल्स हैं और व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा देते हैं, बट ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इस फोन को लेकर, बट ये पर्सनल प्रेफरेंस पर भी निर्भर करता है। डिस्प्ले की और डिटेल में बात करें तो इसके डिस्प्ले में आपको ट्रू टोन और हैप्टिक फीडबैक फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ एप्पल ने यहाँ फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट कोटिंग दी है, जिसका नाम है ओलियोफोबिक कोटिंग, ताकि आपका डिस्प्ले स्क्रैच फ्री रह सके। अब बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन में एप्पल का लेटेस्ट A13 बायोनिक चिपसेट है, जो कि इस फोन को काफी पावरफुल बना देता है। साथ ही साथ एप्पल ने दावा किया है कि जो लेटेस्ट अपडेट आएंगे वो इस फोन के लिए भी अवेलेबल रहेंगे, और ये फोन एप्पल के लेटेस्ट iOS 13 सॉफ्टवेयर के साथ भी आता है। इस फोन में आपको डुअल सिम टेक्नोलॉजी भी मिलेगी ई सिम फीचर के थ्रू। साथ ही साथ आपको इस फोन में तीन वेरियंट मिलेंगे, जो कि है 64GB, 128GB एंड 256GB, बट इस फोन में आपको 5G टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं फोन के कैमरा की। तो कैमरा के डिपार्टमेंट में एप्पल ने हमेशा बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और एप्पल के फोन जाने जाते हैं उनकी अच्छी कैमरा क्वालिटी के लिए। इस फोन की कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इस फोन में आपको एक सिंगल 12 MP का लेंस मिलता है ऑन द रेयर साइड। साथ ही साथ इसमें पोर्ट्रेट मोड भी आपको मिल जाते हैं, जिससे आप अच्छे डेप्थ शॉट्स खींच सकते हैं। इस लेंस में आपको वाइड एंगल शॉट्स लेने में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ फ्रंट कैमरा जो इसका है वो है 7 MP का, जिसमें सारी पोर्ट्रेट मोड अवेलेबल हैं, और इस कैमरा ऐप में सारे पोर्ट्रेट लाइटिंग इफेक्ट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो कि अब तक एप्पल के हायर एंड वर्जन में ही हमें देखने को मिलते थे। साथ ही साथ आप 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं सिनेमैटिक वीडियो स्टेबलाइजेशन के साथ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और बैटरी की बात करते हैं। तो एप्पल ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी होगी, बट आईफोन 8 जितनी बैटरी कैपेसिटी तो होनी ही चाहिए, और एप्पल दावा करता है कि 13 आवर्स का स्क्रीन प्ले टाइम ये फ़ोन आपको देगा। साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाता है फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी, जिससे आप 18 वॉट्स के फास्ट चार्जर से इस फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, जिससे 50% चार्ज हो जाएगा ये फ़ोन विद इन 30 मिनट्स। बट ये 18 वॉट्स का फास्ट चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इस फ़ोन के बॉक्स में वो चार्जर आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ एक और पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि ये है कि इस फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग कैपेबिलिटी भी है, यानी कि आप इस फ़ोन को वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइस की। तो इस फ़ोन का प्राइस बताया गया है $399, जो कि इंडिया में आपको मिलेगा 42,500 का। और इस प्राइस में एक आईफोन मिलना काफी इंटरेस्टिंग चीज है, और यही प्राइस टैग काफी ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करेगा।
तो ये था iPhone SE का एक क्विक ओवरव्यू। हम आगे बहुत ही जल्द इस फोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर आने वाले हैं, तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे चैनल पर सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और आगे टेक जगत के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन दबाइए, क्योंकि वीडियो आपको सबसे पहले दिखनी चाहिए। गाइस थैंक यू, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।